संभल के प्यार जो करना तो करना जरा संभल के नकली सेवर नकली लोग नकली जज्बे कम से कम आशिर नकली तो नहीं है ना आशिर कितना प्यारा इंसान है इतना बेगर्ज मोहब्बत करने वाला अम्मी क्या है मुझे नहीं पहनना ना अम्मी कितने नखरे अभी से कर रहे हैं अभी तो शादी हुई नहीं और इतने नखरे शुरू हो गए ये ऐसे पहन देना माशाल्लाह अम्मी को दिखाएं अम्मी देखे कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह बुरी नजर से बचाए इसको आगे करें ना ऐसे मेरा शहजादा नहीं ऐसे ऐसे इसको आगे करके दिखाएं वाह 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 अब जल्दी से शेरवानी पहन के दिखाएं मुझे जल्दी यार वो भी अभी पहन लो हां हां प्लीज ना अभी ट्राई करते हैं मानो एक्चुअली ये उमर एक अच्छा इंसान नहीं ये तुम्हारे साथ साथ खाला और खालू को भी धोखा दे रहा है थैंक यू सो मच आशा मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया मतलब ये कि मैं तुम्हारी कमीनगी जान गई अगर अभी भी तुम बाज ना आए ना तो अच्छा नहीं होगा मानू तुम्हें हकीकत कह लूंगी प्लीज मुझे गलत मत समझो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और कुछ भी नहीं मेरी अपनी खुद की भलाई तुम्हारा पोल खुल चुका है आशय तुम जो मंसूबा बना रहे थे ना मुझे और उमर को अलग करने का इसमें नाकाम हो चुके हो तुम जाओ कुछ और सोचो क्योंकि इस दुनिया में तुम कभी कामयाब नहीं होगे जाओ मैं अपना कारोबार करने का सोच रहा क्या आशय तुम सच कह रहे हो सच मुझ कह लेकिन कैसे घर बेचकर और कैसे खाला मान जाएंगी क्यों नहीं मानेंगे तुम मेरे दिल की खुशी हो और वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते आशय सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा ना तुम्हारा अपना बिजनेस होगा अपना घर होगा और तो और नई मॉडल की गाड़ियां और तुम इतना होले 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 तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हो वापस आ जाओ देखो घर बेचकर मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूं हां एटलीस्ट ये कि आशय क्या है यार थोड़ी सी देर के लिए भी खुश नहीं देख सकते मुझे ये क्या कर रही है मानू क्या कर रही है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया पागल हो गई तुम क्या कर रही हो पागल हो गई हूँ मैं क्या किया ये तुमने क्यों रोका मुझे क्यों फेंकी सारी दवाइयाँ तुम अकेली नहीं एक बच्चे की माँ हो अपने लिए तो कम से कम उसका तो सोचो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता क्यों नजर नहीं आता कि मैं अभी भी वही माँ ही हूँ जिसकी आंखों में तुम एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अब वो रो रही है तड़प रही है कोई असर क्यों नहीं होता है तुम पे मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ प्लीज मुझे और परेशान मत करो हकीकत को तस्लीम कर लो जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता और जो तुम चाहते हो वैसा भी कभी नहीं हो सकता समझे तुम आशा भाई आप यहाँ हैं वो ड्राइंग रूम में आपके दोस्त बैठे हैं आपसे मिलने हैं Thank you.
गोलियां किस चीज की हैं? किस चीज की गोलियां? मैंने कि गोलियां लग रही हैं, लेकिन ये मानना के कमरे में क्या कर रहे हैं? अल्लाह जाने क्या हो रहा है इस घर में। वालेकुम सलाम फरकान भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? और आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और ये देख रही हूँ कि यहाँ आकर तुम्हारी सेहत के साथ साथ किस्मत भी चमक गई है भाई। अरे ये क्या, फिर आप क्यों रो रही है? क्या हुआ है फिर, हमें बताएं। आप खुश तो हैं? अरे फुरकान ये कैसी बातें करने लगे आप खुशी के मौके पर? खुश है, बल्कि बहुत खुश है, आखिर इसकी शादी जो हो रही है। सब फरकान भाई आप हमें ये बताएं, आप कितने दिन के लिए आए हैं? आप जाएंगे तो नहीं ना? और भाभी आप रहेंगे ना यहाँ पे? हाँ हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके पास ही हैं, आपकी शादी करके जाएंगे। हाँ बल्कि तुम्हारी शादी भी अटेंड करेंगे और वलीमा भी करवा कर जाएंगे। अबीर हम जो इफ्रा के लिए गिफ्ट लाए वो ला कर दीजिए ना। हाँ मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं भाभी रहने दें, आप लोग बैठे ना, आइए ना हमारे साथ बातें करें, हम बाद में देख लेंगे। आइए भाई बैठे। और कैसे हैं आप? अच्छी लग रही है ना? आपने सुना खाला क्या कह रही थी? आशर अपने ससुराल वालों से जहेज तक नहीं ले रहा। मैं भी यही सोच के हैरान, और मैं हैरान से ज्यादा पछताऊं। याद है आपको मेरी शादी के वक्त बाबा ने कैसे ट्रक भर भर के जहेज के भेजे थे, जो मुझे बरतना भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कोहर आंटी और उमर ने सब कुछ खुद ही चोरी करवा ली। उसके बावजूद भी बाबा उन्हें पैसे भरते रहे, कहाँ कहाँ नहीं लूटे गए हम। बेटा इन पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा, बस दिल दुखता है और कुछ हासिल नहीं होता। कौन कौन सी बातें भूलूं मैं आखिर, इस घर में रहते हुए रोज एक पुराना जख्म ताजा हो जाता है। आशर अपना कमरा तक खुद डेकोरेट कर रहा है, अपने ससुराल वालों के बख्शे हुए बिस्तर पे नहीं सोएगा वो। आपको याद है जब आखिरी बार बाबा ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम नया कारोबार शुरू करो, तो आशर ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया था कि मुझे अपने जोरे बाजू पे भरोसा है। और आज ये बात साबित भी कर दी उसने। आज की दुनिया में खुशी सिर्फ पैसे से हासिल की जा सकती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे रकम लेकर अपना कोई कारोबार शुरू करो, इससे कम से कम मैं अपने मिलने जुलने वालों के तानों से तो बचूंगा। बहुत खूब खालू, बहुत खूब। यानी आपने यहाँ पर मुझे मेरी खुददारी खरीदने के लिए बुलाया है, बताएं फिर क्या कीमत लगाई आपने मेरी? आशिर अपनी खुददारी का राग अलापना बंद करो, तो ये कुछ ज्यादा हो गया है। आप पापा से सॉरी बोलो फौरन, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भला चाहते हैं। नहीं माई, अपनी भीख के अवज सारी जिंदगी मेरा सर झुकाना चाहते हैं, और मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों याद कर रही हो इन बातों को, भूल जाओ सब। दिल दुखाने से कुछ हासिल वसूल नहीं होगा,
सिर्फ तकलीफ मिलेगी तकलीफ। तुम देखना इस लड़की को कोई भी चीज इस्तेमाल करना नसीब नहीं होगी, मेरी बद्दुआएं खा जाएंगी इसे। कैसे बाप हैं आप? आपकी बेटी आपके सामने रो रो कर हलकान हो रही है, आपको कोई परवाह नहीं है? तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? कुछ कीजिए ना, आप ऐसा करें किडनैपर को तवान की रकम दे दीजिए, खुदा ना खास्ता उमर को कुछ हो गया तो। तुम कैसी बातें कर रही हो राफिया? एकदम से 10 करोड़ अरेंज करना मेरे लिए भी कोई आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है, आप ऐसा कीजिए फैक्ट्री बेच दीजिए, घर को गिरवी रख दें, ये रत्न तो आप दोबारा कमा लेंगे, लेकिन मेरी बेटी का घर उजड़ गया तो फिर से आबाद नहीं होगा। मेरी बेटी उम्र से बहुत मोहब्बत करती है। हमें अपनी बहन की किस्मत पर रश्क आ रहा है, वरना तो हम ये सोच सोच कर परेशान थे कि हमारी बहन यतीम हो गई है। अम्मा पापा के इंतकाल के बाद हम पता नहीं ये जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे भी कि नहीं। कयामत के दिन अम्मा पापा को क्या मुंह दिखाएंगे? जिस लड़के से इनकी शादी करेंगे पता नहीं हमारी बहन उसके साथ खुश रह पाएगी भी कि नहीं। लेकिन मामू जान ने कितने आराम से ये मसला हल कर दिया। आशर बहुत ही समझदार सुलझा हुआ लड़का है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन उनके साथ बहुत खुश है। अच्छा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है जिस अनजान और अजनबी खानदान के आप कसीदे पढ़ रहे हैं वो 6 महीने में इफ्रा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर नहीं निकाल देंगे? मेरा मतलब है आजकल तो अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। रही बात इफ्रा की, वो बेचारी चीज ही क्या है, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप जावेद मामू से कहकर इस खानदान की जरा अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर करवा लें। ये क्या कह रही हैं आप? मामू आशिर को और आशिर के खानदान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आशिर ने तरक्की की मंजिलें मामू के सामने तय की हैं। और हमें समझ में नहीं आ रहा ये फजूल बातें करके हमें क्यों परेशान कर रही हैं। मैं आपको परेशान कर रही हूँ? क्या हो गया आपको फुरकान? मैं तो ये सब कुछ इफ्रा के लिए कह रही थी। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाह रही हूँ कि शादी हो रही है, सारी जिंदगी का मामला है, कुछ जांच पड़ताल करवा लें। आपने तो सारी जिंदगी मेरी नियत पर शक ही किया है। अरे हम क्या मालूमात हासिल करें, मामू अच्छी तरह जानते हैं आशिर को भी और उसके खानदान को भी, और इसमें कोई दो राय नहीं। आप इससे अंदाजा नहीं लगाती कि उसने तो जहेज लेने से भी मना कर दिया। क्या तो आप खाली हाथ भेजेंगे इफ्रा को उनके घर? क्या मतलब? आप मतलब को छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने और मामू ने हक मेहर क्या तय किया है? हक मेहर के सिलसिले में तुम्हारी कोई बात नहीं। ये ले, कर दी ना आपने बेवकूफी वाली बात। भारी हक मेहर रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर हक मेहर भारी होगा तो लड़का लड़की को आसानी से तलाक नहीं दे सकता, और वैसे भी ये लड़की के तहफ्फुज के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ आपको फौरन मामू से कहकर हक मेहर की बात करनी चाहिए, और अगर अब तक नहीं की तो अभी उस लड़के के घर जाएं और हक मेहर की बात करें इससे पहले कि देर हो जाए। और हाँ, मेरे हिसाब से कोई 25 लाख होना चाहिए हक महर, और एक प्लॉट भी साथ। कैसी बातें कर रही हैं आप? 25 लाख? हाशिर कोई स्मगलर नहीं है, हक हलाल की कमाते हैं। ये तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि शादी खत्म करने वाली बात। पता नहीं फुरकान आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो जो कुछ कहा इफ्रा के तहफ्फुज के लिए कहा। फिर बाद में आप मुझे मत कहिएगा, हाँ आप ही बैठ के रोएंगे जब फिर से इफ्रा आकर हमारे सरों पर सवार हो जाएगी।
अदीना, तुमने मॉम को देखा है कहीं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ, कोई काम था? हाँ, वो बस अलमीर के लिए नीचे से दूध लेकर आना था, मैं लेकर आती हूँ। लाओ मुझे दो, मैं करके ले आती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी खुद। मानूर, क्या हुआ, आराम से संभल के, तुम ठीक हो? हाँ वो मैं ठीक हूँ, बस जरा से चक्कर आ गए थे मुझे, मैं ठीक हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं आशा भाई को बुलाती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं अदीना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सबको परेशान मत करो। ये परेशानी की क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं अदीना, मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। दरअसल वो मैं रात को देर से सोई थी, तो इस वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पक्की बात है, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, बैठो। हम बहुत कमजोर हैं और अब्बा की जुदाई का जख्म भी ताजा है। सबर तो आते आते आएगा ना, अब्बा हमें अकेले छोड़ के चले गए। आप अकेली नहीं हैं, आपके भाई अभी जिंदा हैं, हम हैं आपके साथ। ठीक है, मम्मी और अब्बा हमें छोड़कर चले गए और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस कमी को कुछ कम कर सके। हम सिर्फ आपके बड़े भाई, आपके माँ बाप भी हैं। आपसे वादा करते हैं कि जिंदगी की धूप में आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भरोसा रखिए अपने भाई। क्या बात है फुरकान, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई बात है क्या? मामी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मामी, कल इफ्रा का निकाह है, आपने या मामू ने इफ्रा के ससुराल वालों से हक महर के सिलसिले में कोई बात की? हमारा मतलब है कि हक महर कितना होना चाहिए। अरे हक महर की कहां से बात आ गई, वही शरी होगा। नहीं मामी, ये बात इंतहाई गैर मुनासिब है। आपने और मामून इफ्रा का रिश्ता गैर खानदान में तय किया है, जिन्हें हम जानते भी नहीं है। हम अपनी बहन का मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप और मामू इफ्रा के ससुराल वालों से बात करें, कोई जायदाद, कोई प्लॉट, कुछ ना कुछ उसके निकाह नामे पे लिखा होना चाहिए। देखो फुरकान, आशिर हमारे लिए कोई गैर तो है नहीं, वो हमारे बेटों जैसा है। माना के कोई खूनी रिश्ता नहीं है उससे, लेकिन एक एहतराम का अटूट रिश्ता है। मामी वो सब ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि निकाह नामे पे कोई जायदाद लिखवानी चाहिए। देखो अगर तुम्हें हमारे इस तय किए हुए रिश्ते पे एतबार नहीं था फुरकान, तो तुम हमें पहले से बता देते। अब एन मौके पे मैं ये बात कैसे करूं उन लोगों से? मामी ठंडे दिल से हमारी बात पे गौर कीजिए, और हमने कोई अनोखी बात नहीं की, सिर्फ इफ्रा का तहफ्फुज मांगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इस बात का जिक्र अभी अपने मामों से नहीं करना, जब तक सारे मामला तय नहीं हो जाते। ठीक है चलो यही सही रहेगा, शाम को मैं आशिर से और आलिया भाभी से बात करती हूँ इस मामले में। तुम परेशान हो। जरा